हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने टर्टल वाइन प्लांट के बारे में बताऊंगी कि मैंने उसमें कुछ गलती कर दी फ्रेंड, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्लांट एकदम से ख़राब हो गया। और ये अपराजिता में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और बारिश अभी भी लगातार हो रही है फ्रेंड। थोड़ी देर के लिए बारिश छूटा है तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। बारिश में भी थोड़ी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल वाला और बेल वाला प्लांट है। और यहाँ पे फ्रेंड ये विंका का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया था, शायद यहाँ पे कोई सीड गिर गया था जिसकी वजह से ग्रो हो गया है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है और इसमें कुछ फूल भी खिले हैं। और ये है मेरा टर्टल वाइन का प्लांट जो एक ऑयल कैन में लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर इंडोर हैंगिंग प्लांट होता है, बहुत कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग अगर कहीं पे गिर भी जाती है पॉट में तो वहीं पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी छोटी सी कटिंग यहाँ गिरी थी फ्रेंड और इसी पॉट में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। छत का हाल बहुत बुरा है फ्रेंड और बारिश इतनी हो रही है कि सूख भी नहीं रही है छत के, मैं उसको क्लीन करूँ। और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था फ्रेंड, इसमें मैंने एक गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा ये पूरा का पूरा जो टर्टल वाइन का प्लांट है ये ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं कितने हद तक ये इतना ज़्यादा एकदम बुसी सा था जिसकी वजह से एकदम से ख़राब हो गया फ्रेंड। ऐसा क्यों हुआ है, इतना बड़ा पौधा इतना ज़्यादा लंबा था, बहुत अच्छे से हैंग कर रहा था और पूरा का पूरा एकदम से गिर गया है, इसका एक रीज़न है फ्रेंड। तो आप बिल्कुल उस गलती को ना दोहराएं, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो पहली बात तो है इसमें अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। जब पत्ते पीले होते हैं फ्रेंड इस तरीके से, यहाँ पे पत्ते पीले होते हैं, तो तभी आप क्या करें, इस तरीके से पत्तों को पिंच करके निकाल दें, तोड़ के निकाल दें। अगर आप इसको तोड़ के नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे इस तरीके से ये सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होता है, ये एकदम से अंदर से कमज़ोर हो जाता है और ऊपर से बहुत भूसी सा आपको लगता है। इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा पानी का प्रेशर पड़ा या बारिश थोड़ी ज़ोर से हवाएँ चली होगी जिसकी वजह से ये अंदर से तो एकदम ख़राब था, तो इसलिए क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो हैंग कर रहा था प्लांट पूरा नीचे गिर गया और एकदम से ख़राब हो गया। तो बिल्कुल आप ये गलती ना करें, इसके नीचे नीचे जो भी सूखे हुए पत्ते हैं मैं इनको सबको एकदम से क्लीन कर दूँगी। और ये ऊपर में जो एकदम अच्छे वाले एकदम नई नई पत्तों की जो ग्रोथ हो रही है उन पत्तों को मैं ऐसे ही रहने दूँगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी कि मेरा एकदम से ये प्लांट ना ख़राब हो। और इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र 2-3 महीने में एक बार आप दे देंगे तो वो काफ़ी रहता है फ्रेंड, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत छोटी सी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।